हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 ने कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। मेरे पास दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, मुझे उनको सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब जो गिवन है क्या वो लीनियर इक्वेशन है? क्या ये मेरी लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है भाई? जहां वेरिएबल की पावर क्या हो, 1, मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहां देखो पावर क्या है, देखो मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस c को आप उधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां x की पावर क्या है, 1, यहां y की पावर क्या है, 1, एक टर्म में 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। इट मीन दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। अब यहां अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, 1 डिवाइड बाय 2x। ठीक है, मेरे पास क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो यहां पावर कितनी है भाई, ये x जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहां पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो x रेज टू पावर क्या हो जाएगी, -1/2 एज इट इज, ये होगा तो y रेज टू पावर -1/3 और होल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे कुछ है, x के साथ एक कोफिशिएंट है, y के साथ एक कोफिशिएंट है और इक्वल टू c। ठीक है, तो अब यहां पे x की पावर क्या है, -1, y की पावर क्या है, -1, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, यही तो है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहां वेरिएबल की पावर क्या है, -1 है, नेगेटिव है, और मेरी लीनियर इक्वेशन में क्या होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इसको मुझे क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, यानी मुझे जो वेरिएबल लेके आना है वो ऐसे लेके आना है और इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहां अज्यूम करूंगा 1/x। देखो यहां 1/x है, यहां भी 1/x है, अगर ये जो मेरा कोफिशिएंट है वो भी सेम होता तो हम पूरा अज्यूम करते हैं, अदरवाइज क्या करें, 1/x को मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट बी इट इज ए, लेट 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू मैं ले लूंगा बी। ठीक है, ये लेट के बजाय आप डायरेक्ट लिखते हो, पुट दिस 1/x इज इक्वल टू ए, 1/y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया बी, तो पुट करो भाई, 1/2x है मेरे पास, क्या है, 1/2x, क्या मैं इसको 1/2 इंटू 1/x भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम, एक ही बात है, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, 2x, 1 इंटू 1 इज 1, सेम बात है। ठीक है, तो इसका और 1/x को मैंने क्या मान लिया, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं a, तो 1/2 मेरा एज इट इज रहेगा, साथ में क्या जाएगा भाई, a। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं, दिस इज 1/2a या a/2 लिख दो, प्लस एज इट इज, ये 1/3 तो एज इट इज रहेगा मेरा, और 1/y जो बचेगा, 1/y को क्या लिखूं मैं, बी होल इज इक्वल टू 2 एज इट इज, सेम यहां पे चलते नेक्स्ट, 1/3 मेरा एज इट इज रहेगा, 1/x को मैं लिख दूंगा a, प्लस 1/2 मेरा एज इट इज रहेगा और 1/y को लिख दूंगा मैं b होल इक्वल टू 13/6। आई थिंक सिंपल है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, या तो क्या करो भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, और फ्रैक्शन वाले टर्म्स को हटा दो। ठीक है, या फिर क्या करो, लेट मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेता हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम करते हैं एलिमिनेशन से, सबसे आसान। ठीक है, तो मुझे क्या करना होता है एलिमिनेशन में, मुझे कोई भी एक वेरिएबल पकड़ना है और उसके कोफिशिएंट को सेम कर देना है। ठीक है, तो या तो मैं ए के कर दूं या मैं बी के कर दूं, दोनों बात एक है। देखो यहां 1/3 है, 1/2, यहां नीचे 1/3 है, ऊपर 1/2 है। ठीक है, तो इनको सेम करने का क्या तरीका है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 से और इसको कर दूं 1/2 से, तो क्या मेरे वेरिएबल सेम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, एक स्टेप बच जाएगा मेरा, मैंने इसको कर दिया 1/3 से, इसको कर दिया 1/2 से, देखो 1/3 इनटू 1/2 होगा, यहां पे 1/3 इनटू 1/2 होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ ए मेरे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई भाई, 1/3 की जब 1/2 से करोगे तो क्या आएगा, मुझे पता है 1/2 इनटू 1/3 क्या हो जाएगा, 1/6, ये हो जाएगा 1/6a, प्लस 1/3 इनटू 1/3, 1 इनटू 1 इज 1, 3 इंटू 3 इज 9, यानी ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से, साथ में आ गया b होल इज इक्वल टू 2 की करोगे 1/3 से, तो ऊपर है 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब यहां इसके साथ करते हैं, 1/3 की 1/2 से करोगे, 1 इंटू 1 इज 1, 3 टू जा 6a, 1/6a, प्लस का साइन एज इट इज, 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, b एज इट इज होल इक्वल टू
1 बाय टू किसके 13 बाय 6 से, 13 इंटू 1 इज 13 और 6 टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है, सिंपल है। तो ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप मैंने कर दिया, उसके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए क्या करना है भाई, 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई को मैंने क्या मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ वेरिएबल ए है उसकी पावर 1 है, वेरिएबल बी है उसकी पावर भी 1 है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कर दिया। अब ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये सेम हो गया, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, इससे हो गया ये पूरा कैंसिल आउट। बाकी क्या बचा भाई, बाकी बचा 1 बाय 9 बी माइनस 1 बाय 4 बी, क्या 1 बाय 9 बी से माइनस 1 बाय 4 बी होगा, होल इज इक्वल टू ये 2 बाय 3 एज इट इज और माइनस का 13 बाय 12, ये मेरा आ गया, ठीक है। अब मुझे फर्दर इनको सॉल्व करना है, ठीक है, और आपको 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, ये जो चीजें हैं इनको आप कुछ भी ज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं हर बार ए और बी करो, ठीक है, मोस्टली हम कैपिटल ए कैपिटल बी भी कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मेरे पास बताया 1 बाय 9 बी माइनस 1 बाय 4 बी, ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा अलग से, तो 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा 36, तो ये आ गया मेरा 36, ठीक है। 9 को जब 36 से करोगे, 36 को 9 से डिवाइड करोगे 4, 4 इंटू 1 इज 4, तो 4 बी माइनस का, 36 को 4 से करोगे 9, 9 इंटू 1 इज 9, 9 बी ऑल इज इक्वल टू, इक्वल टू में क्या है 2 बाय 3 माइनस 13 बाय 12, 3 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 12, ठीक है। अब 12 को 3 से डिवाइड करो क्या आएगा 4, 4 टू जा 8 माइनस 12 को 12 से करोगे 1, 1 इंटू 13 इज 13, सिंप्लीफाई कर दो भाई, प्लस का 4b माइनस का 9b क्या बचेगा माइनस का 5b होल डिवाइड बाय 36 होल इज इक्वल टू, प्लस का 8 माइनस का 13 माइनस का 5 डिवाइड बाय 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 5 बाय 12 है मेरे पास, इसको उधर ले जाओ तो इनटू 36 नीचे ये चला जाएगा ऊपर, 5 ऊपर है ये चला जाएगा नीचे, 5 से 5 कैंसिल आउट, 12 3 जा 36 मींस b की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई भाई 3। अब निकाल लेते हैं a की वैल्यू, देखो b की वैल्यू से y की वैल्यू निकल जाएगी, बट मुझे पहले a की वैल्यू और निकालते हैं, निकालो क्या करें, पुटिंग b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करें भाई b इज इक्वल टू 3 इसमें कर लेते हैं आसान हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में करता हूं मैं इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो करो भाई क्या होगा 1 बाय 2 a एज इट इज प्लस 1 बाय 3 और b की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल आउट क्या बचा 1, 1 को उधर ले जाओ, तो 1 बाय 2 a इज इक्वल टू 2 था ये 1 उधर माइनस का 1, 2 माइनस 1 इज 1, इस 2 को उधर ले जाओ तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2 इंटू 1 इज 2, डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 3, बट मुझे तो निकालना है x और y, तो मैंने माना था 1 बाय x क्या है a है, a की वैल्यू क्या आई है ये आई है 2, मुझे क्या निकालना है भाई x, 2 को इधर ले आओ, इसको 2 बाय 1 कर लूं, 2 को इधर ले आओ और x को उधर ले जाओ, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x को उधर ले जाओ सिर्फ, ठीक है, तो ये 1 होगा 2 उधर आएगा 2 होल इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 2, या फिर डायरेक्टली कह सकते हो कि 1 बाय x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 2 है, उल्टा कर दो दोनों को दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का उल्टा 1 बाय 2, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, और भी कुछ बच्चे ऐसे करेंगे इसको कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, तो ये हो जाएगा 2x is equal to 1 into 1, 1, x is equal to फिर 2 को उधर लेके जाएंगे 1 by 2, ठीक है, तो डायरेक्टली बेटर है कि 1 by x is 2 है, तो x क्या हो जाएगा 1 by 2, उल्टा हो जाएगा, that's it, as it is मेरे पास 1 by y मैंने माना था b, b की वैल्यू क्या आई भाई, this is 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा कर दो, यानी 1 by 3, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई दोनों इक्वेशंस की, x की वैल्यू 1 by 2 है, y की वैल्यू 1 by 3 है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.6 का, आई थिंक आसान था अभी के लिए, थैंक यू।